नमस्कार दोस्तों दोस्तों तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आपको दिखाने वाला हूँ जो कि रुखसाना जी एक नई प्रकार बनाने वाली है, तो वही चीज आपको दिखाने वाला हूँ। और इससे पहले मैं कहना चाहूँगा, इस चैनल में आपको सभी दोस्तों को मतलब स्वागत है और आपने दिल से नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दिया करें दोस्तों। मैं विजय दास, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या यहाँ बन रहा है और क्या क्या ये रुखसाना जी बनाती है। इनका स्टाइल है, ये है दोस्तों तिल, जो कि तिल बोला जाता है। तिल को ऐसे धो के और उसके बाद से बेसन में डाल के उसके बाद से ये बनाया, सुखाया गया है। और सुखाने के बाद से बिल्कुल ये कड़ा हो गया है। उसके बाद से ऐसे हम लोग बना रहे हैं, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। तो चलिए इधर देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों इधर हम टेस्ट कर रहे हैं कैसा है स्टार्टिंग में, जो कि बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही स्वादिष्ट होता है दोस्तों। और जब इसे खाइएगा तो बहुत ही मजा देगा। देखिए रुखसाना जी कैसे कैसे बना रही है, और पूरे वीडियो को वॉच करिए और बने रहिए इस वीडियो में, जो कि सारे प्रकार बना रही है। देखिए तीन वैरायटी बना रही है, एक खोखी जो आपको सबको पता ही होगा, और ये इसे कैसे बनाया जाता है, इसे ये कैसे बन रहा है। और इसके बाद से ये तिल तिल बनेगा, जो कि बहुत ही बेहतरीन बहुत ही स्वादिष्ट होता है दोस्तों। तिल सब गर्म हो गए और बहुत ही अच्छा लगता है। और ये जो तिलौरी बनाई हुई है, तिल का कैसे बनाई हुई है जरा बताइए। तिलौरी बनाई हुई है, पहले कैसे करना पड़ता है, जोर से बोलिए, अरे बोलिए जोर से। उधर पापड़ गिर गया आपका सब, ये जो तिलौरी ये जो तिलौरी बनाई हुई है, तो कैसे बनाई है बताइए। रुक धरा रे शेरवा के दिए, इधर छोटा बाबू है, तिलौरी बनाई हुई है कैसे, छोटा बाबू खेल रहा है। बाबू बाय बोलो, बाबू को दे दो, दे दो पापड़ दो बाबू को, नीचे रखो ना उठाएगा। दर बाबू दर राहुल खड़ा। ये तिलौरी कैसे मतलब शुरू में बनता है, इसको धो के भूज के पीस के तिलौरी पार के तब बनेगा। तिलौरी पार के बनता है, देखिए धो के भूज के तिलौरी पार के पीस के पार के उसके बाद सुखाना पड़ता है ना, तब जाके इसे छानेगा। उसके बाद छानाएगा, छानने के बाद बहुत ही टेस्टी लगता है। इसमें नमक भी लगता है क्या? नमक लगेगा, सब कुछ लगेगा। हाँ। नमक वमक सब लगता है इसमें। ये तिल का ही होता है, काला वाला तिल होता है दोस्तों, उसी का होता है काले वाला तिल। हाँ। क्या है तीसी, हाँ तीसी, तीसी बोला जाता है, तिल नहीं तीसी, सॉरी मिस्टेक हो गया, तीसी तीसी को बोला जाता है। आज वही पका के खाने वाली है और खिलाने वाली है। तो रुखसाना जी का आइटम जो है सब देख सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली आपको ये चीज टोटल चीज मैंने दिखा दिया, और जब रुखसाना जी बना रही है सब चीज आप देख लिए, जो कि पापड़ बन चुका है, तिल बन चुका है, और ये
ये भी बन चुका है जो कि अब हम लोग खाएंगे, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है दोस्तों। चलिए तो हम एक पीस खा के ट्राई करते हैं, चलिए टेस्ट मारते हैं। इधर देखिए जरा, बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत ही अच्छा है और बहुत ही बढ़िया है। तो आप भी टीसी का जो टीसी का बनाइए, उसके बाद से छान के खाइए, बहुत ही अच्छा लगता है। तो दोस्तों चलिए बाय बोल देते हैं, इसी के साथ हम लोग रखते हैं दोस्तों। तो इस चैनल को फिर से मैं बोलना चाहूंगा, लाइक सब्सक्राइब कर दिया करें। अच्छा, फिर मिलते हैं उधर देखिए, फिर मिलते हैं दोस्तों। देखिए पापड़ खा रही है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए नमस्कार।